हेलो एवरीवन माय माई सर लक्ष्मी चंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन आज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि यदि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप में है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस टू रूट ऑफ दिस आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बना के और एक्स स्क्र प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र जिस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा उसमें हम रिड्यूस करके उसका आंसर दे देंगे तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ इनमें से किसी भी फैक्टर को आप टी स्क्वायर पुट कर दो तो। किसी भी फैक्टर को तो मैंने लिया है कि एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टी स्क्वायर अब यहाँ से आप डी एक्स निकालोगे तो इसका डिफ्रेंशिएसन आपका वन हो गया और ये आपका टू टी और डी टी अपॉन डी एक्स तो यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आपकी टू टी डी टी ये वैल्यू निकल के आ गई अब ये वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पर तो डी एक्स आपका टू टी डी टी हो गया अपॉन आपने एक्स माइनस थ्री को टी स्क्वायर पुट किया है तो ये आपका टी स्क्वायर हो गया अब मैंने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो मेरा x जो मिलेगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस थ्री ये वैल्यू निकलती है तो मैं इसको टी स्क्वायर प्लस थ्री दूसरे इसमें डालते हैं तो टी स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू एंड रूट ऑफ दिस अब यहाँ से आपने ये रूट के अंदर है तो इसका वैल्यू टी हो जाएगी तो ये टू टी डी टी अपॉन ये आपका टी रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आपका क्या होगा टी स्क्वायर प्लस वन तो अब देखो ये आपका अपने आप ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया अब मैंने टी से टी कैंसिल हो जाएगा टू आपका बाहर आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका आपका होता है लॉग अ टी प्लस रूट टी स्क्वायेयर प्लस वन ये आपका प्लस सी अब आपने जो टी पोट किया है आप यहाँ से पोट कर सकते हैं तो टी आपका तो टू लॉग टी टीज एक्स माइनस थ्री रूट एंड टी स्क्वायर इज एक्स माइनस थ्री प्लस वन इट विल बी प्लस एक्स माइनस टू रूट प्लस सी तो ये इसका आंसर होगा आपका तो आप जो है सिंपल वे से इसको निकाल सकते हैं अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कोई भी सपोज किया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एंड x माइनस बी एंड रूट ऑफ दिस अब मैंने इसमें से इसको टी पुट कर लिया तो x माइनस ए इज इक्ल टू टी स्क्वायेर और x इज इक्ल टू यहाँ से निकालेंगे तो टी स्क्वायर प्लस ए और डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी ये मैंने इसकी डी एक्स की वैल्यू निकाल ली अब मैं इस क्वेश्चन को आपका लिखूँगा कि टू टी डी टी अपॉन अब रूट के अंदर आपका ये आपने टी स्क्वायर पुट किया तो ये टी स्क्वायर हो गया एक्स की वैल्यू आपने टी स्क्वायर प्लस ए तो ये आपका दूसरे ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी अंडर रूट ऑफ दिस ये आपका इंटीग्रेशन। अब यहाँ से जब रूट से बाहर होगा तो ये टी निकल जाएगा टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा टू बाहर अब ये आपका टी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ दिस सो देर फोर इट विल बी इक्वल टू टू आपका बाहर डी टी अपॉन टी स्क्वायेयर प्लस रूट ए माइनस बी होल स्क्वायेयर रूट ऑफ दिस अब एक्स स्क्वायेयर प्लस ए स्क्वायर सेम आपका फॉर्मूला है देन इट विल भी इक्वल टू टू लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी रूट होल स्क्वायेयर होली स्क्वायर प्लस सी ये इसका आपका आंसर होगा टी की वैल्यू आप पुट कर दो वहाँ से जो निकाली थी जैसे यहाँ पुट किया है वैसे ही सेम अब मैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस टू एंड थ्री माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस तो मैंने यहाँ पर इसको एक्स माइनस टू दैट विल बी इक्वल टू टी ये पुट कर दिया देन डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं तो डी एक्स तो ये आपका टू टी डी टी टू टी डी टी ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर एक्स माइनस टू को टी स्क्र लिया हुआ है तो मैंने रूट से बाहर टी लिख दिया है अब रूट के अंदर आपने x की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस टू तो थ्री माइनस टी स्क्वायर प्लस टू ये रूट के अंदर है अब इसको सिंपलीफाई करते हैं टी से टी कैंसिल टू आपका आउटसाइड दिस इंटीग्रेशन साइन एंड डी टी अपॉन थ्री माइनस टी माइनस टू तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस टी स्क्र रूट ऑफ दिस मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस टी स्क्र और ये माइनस टू तो थ्री माइनस टू आपका वन हो जाएगा माइनस टी स्क्र और ये आपका सीधा फॉर्मूला है देन इट विल बी इनवर्स पुट द वैल्यू ऑफ टी हेयर स रूट एक्स माइनस टू प्लस सी सो दिस विल भी आंसर तो आप इस सिंपल वे से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये आपका एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर एनसीआरटी क्लास ट्वेल्थ मैथ में इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग